हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामान। आप सबका स्वागत है एग्जाम एपेक्स चैलेंज में। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर पर स्क्वायर कैसे निकाला जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको 25 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। अगर आपको 20 तक का स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लें। चलिए, अगर नहीं याद है तब भी हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई मेथड बताया था, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमें 34 का स्क्वायर निकलने के लिए कहा गया। हम 35 कैसे निकलेंगे? ये फॉर्मूला 50 से नीचे का जो सब डिजिट है, जो सब नंबर है, उसके लिए है। मान लीजिए इसका हम कैसे लिखेंगे? 35। और 50 से कितना कम है? 50 से 16 कम है। यहाँ पे 25 क्यों मैंने लिखा, अभी बता देता हूँ। पहले 16 के स्क्वायर निकालेंगे। हमें 16 का स्क्वायर याद रहना चाहिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 256 का 56 ले लेंगे और फिर इस 16 को 25 से घटा देंगे। 25 से घटाने में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 256 टू कैरी हो गया था, जो वो टू उस 9 के साथ ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो और एक करते हैं। मान लीजिए 39। 39 को 50 से कितना कम है? 11 कम है। 11 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 21 का 21 ले लेंगे, कैरी 1 रह जाएगा। ये कितना कम है? ये इससे कितना कम है? यहाँ पे 14 कम है और एक कैरी है, उस एक को लिख लेंगे, 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 50 से बड़ा करके देखते हैं। ये जो है 50 से कम वाला के है, और 50 से बड़ा वाला के लिए वो अलग से फॉर्मूला है। चलो वो कर लेते हैं। अगर मान लिया कि नंबर 50 से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। एक लेते हम, कितना लेते कितना लेते 56 ले लेते हैं। 56 को निकाल लेते हैं। ये 50 से ज्यादा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? वही सेम तरीके से, इधर जैसे हम लोग माइनस किए थे, यहाँ पे सिर्फ प्लस करेंगे। 25 प्लस 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अब हम 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 6 का और स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 का पूरा 36 लिख लेते हैं, कोई कैरी नहीं आएगा। हमेशा दो डिजिट लिखेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 31। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और एक देख लेते हैं। लेते हैं 62। 62 का क्या? 25। कितना बड़ा है? 12। 12 का इसका 144। 44 का 44 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38। ये फॉर्मूला अप टू 75 तक लागू होगा। अगर 75 से ज्यादा हो जाए तब हम स्क्वायर मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड से तब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।